बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार ब्रेड पॉकेट्स की रेसिपी, जिसे आप इजीली अपने घर में बना सकते हैं। जब भी आपका कुछ अच्छा सा खाने का दिल चाहे तो आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी फिलिंग रेडी करेंगे। तो इसके लिए एक बाउल में ऐड करेंगे हाफ कप मेयोनीज, इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम, ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस, फिर इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट मेयोनीज में भी होता है तो इसलिए हम कम ही ऐड करेंगे। फिर ऐड करेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे कुछ वेजिटेबल्स, जिसमें 1/2 कप कैबेज डालेंगे, 1 गोभी, 1/4 कप गाजर, 1/4 कप कैप्सिकम शिमला मिर्च जूलियन कटी हुई, 1 कप चिकन ली थी जिसे मैंने बॉईल कर लिया, इसके बाद इसके रेशे कर लिए, श्रेडेड कर लिया। अब इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखें ये मिक्स हो चुका है, अब इसे हम साइड पे रखेंगे। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं ब्रेड पॉकेट्स बनाने के लिए ब्रेड के स्लाइसेस। इसमें से हम एक स्लाइस लेंगे और इसे सर्कल कट करेंगे। अगर आपके पास कटर हो तो कटर से कर लें, वरना इस तरह से स्टील के ग्लास से कर लें। तो इस तरह से हम कट करेंगे और बेलन की हेल्प से हम इसे फ्लैट कर लेंगे। हमें इसे कर लेना है और सारे हम इसी तरह से बना लेंगे। तो सारे मैंने बना लिए हैं। एक पीस लेंगे और इसके ऊपर हम इसके साइड्स पे हम पानी लगा देंगे और दूसरे ब्रेड से हम इसे सील कर देंगे। अच्छे से इसे सील करेंगे। इसे सील करने के बाद हम इसकी कोटिंग करेंगे। तो कोटिंग के लिए मैंने ले लिए हैं 2 अंडे जिसे मैंने फेंट लिया था, और ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। तो इसे अब हम अंडे में डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। अच्छे से हम इसकी कोटिंग कर लेंगे। तो देखें मैंने इसकी कोटिंग कर ली है। अब इसे हम साइड पे रखेंगे और इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। सारे मैंने बना लिए हैं, अभी से हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई ले ली है और ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इसमें हम डालते जाएंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। ब्रेड है तो इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, बस इसे हमें लाइट गोल्डन करना है। जब इसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा फिर हम इसे निकाल लेंगे। तो देखें ये इस तरह से फूलने भी लग जाएंगे और बीच बीच में इसे हम पलटते जाएंगे। देखिए ये फ्राई हो चुके हैं, अब इसे हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं ये कितने क्रिस्पी बने हैं। इसी तरह से हम सारे फ्राई कर लेंगे। तो सारे ब्रेड पॉकेट्स मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब इसे हम सेंटर से कट करेंगे। इस तरह से पूरा कट नहीं करना है, बस हाफ करना है। इसके अंदर हम डालेंगे जो हमने फिलिंग बनाई थी, इस तरह से स्पून से डाल देंगे। तो इस तरह से बना लेने के बाद हम इसे साइड पे रखेंगे और इसी तरह से सारी ब्रेड पॉकेट्स को फिल अप कर लेंगे। तो तैयार है बहुत ही मजेदार ब्रेड पॉकेट्स, कुछ ही मिनट्स में बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही मजेदार बनती है। तो आप भी इसे जरूर ट्राई करिएगा। आप इसे जिस टाइम बनाना चाहें आप इसे बना सकते हैं। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर भी जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एंड इजी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।